हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर। आप सभी का स्वागत है टैट बजर के प्रांगण में। साथियों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं मास्टर कैडर हिंदी से संबंधित उत्तर कुंजी लेकर, यानी कि मास्टर कैडर से संबंधित आंसर की आपके लिए हमने तैयार की है, जो कि 28 अगस्त को आपका मास्टर कैडर जो हुआ था उसके लिए, ठीक है। तो उसी से संबंधित हम विचार विमर्श आपके लिए करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथियों, आप जो है टैट बजर अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधा अपने मास्टर कैडर जो हमारा एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की पर। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास सेट जो है मास्टर कैडर हिंदी का सेट है हमारे पास बी। सेट बी से संबंधित हम क्वेश्चन जो है हल करने जा रहे हैं। वैसे तो ए बी सी डी जो भी आपके पास सेट है उसके हिसाब से आप अपना आंसर देख लीजिएगा, लेकिन हमारे पास जिस पर हम जो है विचार विमर्श कर रहे हैं वो हमारा सेट बी है, और जिसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बनता है कि ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाभिक धीरे धीरे, ये पंक्ति किसकी है। तो स्वरूप ये मान्य है कि ये पंक्ति काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुंडलियां लिखने के लिए कौन कवि अति विख्यात है, विख्यात यानी के प्रसिद्ध है। तो ए कबीरदास, बी सूरदास, सी जायसी, डी गिरिधर कविराय। तो कुंडलियां लिखने के लिए जो कवि जो फेमस है, मशहूर है, प्रसिद्ध है, हम बचपन से ही अपने देखने में आया कि जो लोअर क्लास है उसमें लिखा हुआ है कि गिरिधर कविराय की जो कुंडलियां है वो बहुत जगत जनन है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। मीरा की भक्ति किस भाव की थी, तो मीरा की जो भक्ति थी वो थी माधुर्य भाव की। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, माधुर्य भाव की। पद्मावत किस कवि की रचना है, तो पद्मावत किसके द्वारा रचित है। तो पद्मावत जो है वो किसके द्वारा रचित है, जायसी के द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है जी। पद्मावत में जो है 57 खंड है और वो जायसी की रचना मानते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, चंद्रकांता उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। तो चंद्रकांता उपन्यास जो है वो देवकी नंदन खत्री के द्वारा रचित है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। और सभी को मालूम है जो देवकी नंदन खत्री जो है वो जो है तिलस्मी अयारी किस्म के जो है उपन्यासकार माने जाते हैं। दृष्टिकूट लिखने के लिए कौन सा कवि अति विख्यात है, दृष्टिकूट पद किसने लिखे। तो वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सूरदास, ठीक है। प्रेमचंद जी ने क्रम भूमि उपन्यास में किस विषय को आधार बनाया है, भी प्रेमचंद जी जो है उन्होंने क्रम भूमि का जो उपन्यास है उसमें किस विषय को जो है बनाया है। तो वो जो हमारा सही हो जाएगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी राजनीतिक विषय को। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे हिंदी कविता के किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सभी को मालूम है आगे जी ने प्रयोगवाद जो है इसके प्रवर्तक वो माने जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र काव्य के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे है काव्य पंक्तियां घूंघट के पट खोल, तो कोपिया किसकी जो है काव्य पंक्तियां हैं। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं, तो काव्य पंक्तियां घूंघट के पट खोल तो कोपिया, ठीक है। तो ये हमारे जो है मीराबाई जी के, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। प्रसिद्ध एकांकीकार कौन थे जिन्होंने पापी, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक इत्यादि एकांकियां लिखी।
तो प्रसिद्ध एकांकीकार कौन थे? वो थे हमारे उपेंद्र नाथ अशक। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, छायावाद की दुर्गा किसे कहा जाता है, या छायावाद की दुर्गा नाम से किसे अभिव्यक्त किया जाता है? तो छायावाद को आपको पता है कि चार आधार स्तंभ हैं, तो उनमें एक ही है कि महादेवी वर्मा जी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन सी ध्वनियां अंतस्य है? तो य रल व हमारी अंतस्य ध्वनियां हैं। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है, विशेषण कौन सा है? तो यह सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है, तो जिस सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आती है वो कहलाता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। प्रयोगवाद का कवि कौन सा है? तो प्रयोगवाद का कवि जो है वो है कीर्ति सिंह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दोनों का, 15 और 16 का। मूक का विपरीत यानी कि विरोधी क्या है? तो विरोधी है वाचाल। ठीक है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन राइट आंसर है। खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार अमीर खुसरो है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य प्रतिभा किस कवि से प्रभावित हुई? तो वो हुई थी माखनलाल चतुर्वेदी से। सिद्धों की भाषा सांध्या भाषा कहा जाता है। जरेंद्र के उपन्यास किसके अंतर्गत आते हैं? तो मनोवैज्ञानिक है। अमीर खुसरो की अमीर की उपाधि किसने प्राप्त की? तो अमीर खुसरो को जो अमीर की उपाधि वो जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें इन रचनाकारों में कौन सा रचनाकार प्रसिद्ध व्यंग्यकार है? तो हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। अश्वशाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठल नाथ जी ने की थी। कविवर निराला की पत्नी कौन है? मनोहरा देवी है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। शुद्ध व्यर्तनी का चयन कीजिए, सन्यासी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। हिंदी उपन्यास जगत में किनका पदार्पण क्रांतिकारी सिद्ध हुआ? तो वो है डी ऑप्शन प्रेमचंद जी का, क्योंकि तो गोदान इनकी जो रचना है काफी क्रांतिकारी कृषकों में भरने वाली है ना। तो ऐसे इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे जिनमें क्रांतिकारी रूप इनको देखने को मिलता है। नैसर्गिक शब्द का समार्थक शब्द कौन सा है? वास्तविक। कुछ बच्चे प्राक्त लगा के आया, प्राक्त क्या होता है? भाषा होती है, तो वास्तविक सही आएगा इसका। प्रकृति नहीं है वो प्राक्त है। न्याय का मंत्री कहानी किसकी है? तो न्याय का मंत्री कहानी जो है वो सुदर्शन की कहानी है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोहा छंद का विलोम क्या है? सोरठा, बिल्कुल राइट आंसर है। द्विवेदी युगीन साहित्य पर किसका प्रभाव है? तो द्विवेदी युगीन साहित्य पर जो है आदर्शवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमदई ने पृथ्वीराज राजस्व को पूरे करने का भार किसे दिया? अपने पुत्र को। इनका पुत्र का नाम था जलहन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। कवि बिहारी ने कौन से छंद में रचना की? तो सोठा छंद में की। तो डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका है? तो भारतेंदु की बाला बोधनी, स्त्री विषयक है ये, तो सी ऑप्शन है। रमणीयात रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्य में जगन्नाथ जी का, डी ऑप्शन है। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, तो बी ऑप्शन सही है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक जो है वो माने जाते हैं हमारे भीषम साहनी, तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। इन कवियों में किसने पहेलियां और मुकरियां लिखी? तो अमीर खुसरो ने, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना नाटक विधा से संबंधित नहीं है? तो अषाढ़ का एक दिन, अजात शत्रु, अंधायुक्त, ये जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, उपन्यास है। ठीक है, आपका बंटी, डी ऑप्शन। शुद्ध शब्द छाटिए, तो इसका शुद्ध शब्द होगा अत्यधिक, ए ऑप्शन, अत्या प्लस अधिक, अत्यधिक। कनक कनक से यमक अलंकार है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आम फिर बोरा गए निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी ऑप्शन राइट आंसर है। सूफी कवियों की काव्य शैली क्या है? तो मसनबी है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। हिंदी व्यंजन वर्णों की शैलियां है, तो हिंदी के व्यंजन वर्णों की शैलियां, दो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तितली किसकी रचना है? तो तितली जो है किसकी रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद, द्वितीय ऑप्शन। अशोक के फूल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं, तो हमारा जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
किस उपन्यास की प्रकृति, भाषा, रीति इत्यादि सभी मिलकर उद्देश्य बनता है आंचलिक। पंत जी की कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कला और बूढ़ा चांद। कितने वर्णों के समूह से गण बनता है, तो चार। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। हिंदी भाषा का मानक रूप कौन सी बोली है, तो वह खड़ी बोली। अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है अनुबंधन, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन विधाओं को गुण कुछ गुण समान है, यात्रा मितान रेखा चित्र, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है, तो झूठा सच यशपाल का है, तो डी ऑप्शन। दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में, अपभ्रंश भाषा में दुहा कहा जाता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, मतवाला जो है वो निराला जी की है, तो ए ऑप्शन। किस काव्य में श्रद्धा, वासना, लज्जा आदि मनोविकारों को सर्ग के रूप में दिया गया, तो ये सब जो है हमें मिलता है कमायणी में, तो 15 सर्ग होते हैं जिसमें। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। सिद्धों की संख्या 84। ठीक है, राहुल संस्कार आदिकाल को सिद्ध समांत युग कहा। ठीक है, एक साहित्य की डायरी, तो एक साहित्य की डायरी जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना मानी गई है हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी की, तो सी ऑप्शन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द टारगेट लक्ष्य, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई, विजित। स्रोत स्मृति का रचनाकार निराला, इनकी अपनी पुत्री के बारे में है। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो कौन माने जाते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी है, वो है रामचंद्रिका जो केशव दास की है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। किस कवि ने केवल दोहों की रचना की, तो बिहारी ने, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। समन्वय की साधना किस काल की विशेषता रही, तो समन्वय की जो साधना जो ये समय समन्वय की भावना आएगा यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप है, तो समन्वय की भावना जो है वो कहाँ देखी गई है। ठीक है, तो वो प्रगतिवाद में देखी गई है हमारे पास, है ना। तो ये कहा गया कि सब बराबर है, किसी को अलग नहीं समझना चाहिए, है ना, तो सब प्रगतिवाद में। इनमें से कौन सी कहानी लेखक सही है, इनमें से कौन सी कहानी का लेखक ठीक नहीं है, तो हमें डी ऑप्शन पर सही है उत्तर। निम्नलिखित में कवियों में किसकी भाषा औजपूर्ण है, तो रामधारी सिंह दिनकर को औज का करण कवि, औजपूर्ण कवि कहा गया है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है, बी ऑप्शन। उसने कहा था कहानी के रचनाकार का नाम क्या है, तो उसका नाम है चंद्रशेखर गुलेरी, तो हमारा सी ऑप्शन। उर्वशी महाकाव्य कौन सा है, तो उर्वशी का जो है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसी बात जिसकी आशा ना हो, ठीक है, ऐसी बात जिसकी आशा ना हो, ठीक है, आशातीत, तो डी ऑप्शन। ब्रज और ब्रज और अवधि में समान रूप से काव्य रचना की थी, तो तुलसीदास ने। जैन पुराण पुष्पदंत ए। मधुशाला किसकी रचना है, तो बच्चन जी की है, बी ऑप्शन। इसमें से महादेवी की कौन सी रचना नहीं है, तो महादेवी की रचना नहीं है, डी। क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी की रचना है। आम आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा। अंग्रेजी के ऑप्शन विकल्प, ए ऑप्शन। हिंदी में वर्णमाला में 52, सी ऑप्शन। रैदास किनके शिष्य थे, तो संत रैदास जो है वो किनके शिष्य थे, वो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य माने जाते हैं रैदास। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, पाजेब एक रात जय संधि किसकी है, तो पाजेब एक रात जय संधि जनेंद्र जी की है, बी ऑप्शन। शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद जी की कहानी है, बी ऑप्शन। श्री गंदाज या बिड़ला की जीवनी लिखी महात्मा गांधी, तो बी ऑप्शन। चवर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान क्या है, देखो दोस्तों इसमें जो है कंठ, दांत, मुद्रा, औष्ठ, ये तीनों के सॉरी ये चारों के चारों गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका चवर्ग जो है होता है वो होता है ताल्लव्य, लेकिन हमने इसमें से चूज करना है तो हम कंठे पे जाएंगे, क्योंकि एक पुस्तक में ये लिखा गया है कि चवर्ग जो है वो कंठे ताल्लव्य होता है,
तो ए ऑप्शन सही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है, ताल्लव्य कहीं ऑप्शन भी नहीं है। प्रियवरास में हरिओत जी ने किस रस की प्रधानता की है, तो वो है हमारे पास श्रृंगार और करुण। वदान का मुख्य पात्र कौन है, तो होरी है, सी ऑप्शन। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द अकाउंट खाता से संबंधित है, बी ऑप्शन। रस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि है, तो सी ऑप्शन। गुदड़ी का लाल, इसका मतलब होता है ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी व्यक्ति। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मिठास, तो बी ऑप्शन। कबीर के काव्य ग्रंथ का नाम है बीजक, तो बी ऑप्शन। अपनी कविताओं में किन कवियों ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना और रहस्यवाद का वर्णन किया है, तो वो है हमारे पास सूफी कवि, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। वेदना और निराशा किसकी है, तो वो है हमारे पास छायावाद, सी ऑप्शन। केवल कवि मैत्रीचंद गुप्त की पहली रचना सरस्वती प्रकाशन प्रकाशित हुई थी, तो वो कब प्रकाशित हुई थी, 1906। ठीक है, डी ऑप्शन। अगे को उनकी पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नामों में कितनी बार, डी ऑप्शन। माटी की मूर्ति, राम वृक्ष, मैनीपुरी। डॉक्टर गुलाब राय ने चार प्रकार के निबंधों को जो है अपनी श्रेणी में बांटा, तो सही उत्तर होगा आपका चार। मदीप मही पराग नहीं, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, तो ये पंक्ति है बिहारी जी की, राजा जय सिंह को इन्होंने लिख कर भेजी थी, है ना, कहा था। घनानंद किस प्रकार की कवि था, तो रीति मुक्त कवि है। विद्यापति की कवि रचना में कौन सी भाषा है, मैथिली। निम्नलिखित में से मुक्त काव्य कौन सा है, तो कामायणी मुक्त काव्य है। नाटक में चूलिका क्या होता है, एक सूचना देने को कहते हैं चूलिका। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज क्या है, इनका ललित निबंध है। हिंदी व्यंजनों कितने वर्ग होते हैं, तो पांच। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो पांच। जो अपनी हत्या करे, तो आत्महंता, जो अपनी हत्या आप करे, ठीक है, आत्महंता। फिर विकल है मेरे प्राण तोड़ दो ये क्षितिज में उस पार देख लूं क्या है, तो ये है महादेवी वर्मा। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900। ठीक है, ए ऑप्शन। हिंदी में सबसे कम कहानी लिखकर प्रसिद्ध हुए थे, वो हुए थे चंद्र शर्मा गुलेरी, इन्होंने केवल मात्र 3 कहानियां लिखी थी। प्रभाषिक शब्द है एविडेंस, तो एविडेंस का मतलब क्या आता है, साक्ष्य, बी ऑप्शन। साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह लीजिए आसान भी है और टफ भी है। डिंगल पिंगल ए ऑप्शन लगा रहा हूं मैं आंसर, तो डिंगल पिंगल शैली थी, ठीक है, और भाषा जो थी वो दोनों में ब्रज रही है। तो देखते हैं क्या मानते हैं जो हमारे एग्जाम मनर जो है इसको क्या सही ठहराता है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन डिंगल पिंगल जो है सही भी है और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिंगल पिंगल शैली थी। मानता हूं कि ब्रज और राजस्थानी को मिलाने से डिंगल बनता है और ब्रज और अपभ्रंश को मिलाने से पिंगल बनता है, पर दोनों में भाषा ब्रज का यूज किया जा रहा है। बाकी देखते हैं ऑप्शन में क्या आता है। ठीक है, एक कंठ विश्वपयी दुष्यंत कुमार। एकांगी में कितने तत्व होते हैं, 7। ठीक है, 7 होते हैं। ठीक है, भू परिक्रमा, भू परीक्षा और भी सागर ग्रंथ की रचना कौन है, तो भू परिक्रमा, ये सब जो लिखे गए हैं ये विद्यापति की रचनाएं हैं। प्रभु जी तुम मेरे चिंत धरो, तो ये वाला जो है ये है बाबू गुलाब राय जी का, ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखना आत्मकथा कहलाती है। कवि भूषण ने वीर रस की कविताएं किस काल में की, रीति काल में की। ठीक है, हरिओत जी ने प्रियवास किसके प्रवास पर है, कृष्ण के प्रवास पर है। ठीक है, केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उचित उपदेश भी होना चाहिए, मैत्रीचंद गुप्त। शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल, दोनों जय आदे हैं। जब किसी व्यक्ति वस्तु घटना का बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा में कितनी जीवली संकलित है, तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी शरतचंद्र जी की आवारा मसीहा। सत्य हरिचंद्र चंद्रावली भार दुर्दशा आदि प्रशय जो है वो भारतेंदु हरिचंद्र जी की है। भुजत श्याम तू कुंग कौन गौरी, काकू तू रही बेटी, ये पंक्तियां किसकी है, ये नंददास जी की है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इसमें डाउट सा है, बाकी इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, रस खान कौन और कहां के थे, दिल्ली पठान थे। ठीक है, नई कविता के अभाव में कौन है, छंद और लयमता, ये हमें नई कविता में देखने को नहीं मिलती। सूफी कवियों का आधार क्या है, हिंदू लोक कथा। संत काव्य परंपरा किससे प्रवर्तक हुई है, संत काव्य जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक माने हैं इन्होंने, ठीक है, वो है नामदेव।
सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु का नाम जो है वो है आचार्य वल्लभ। ठीक है, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो वो है हमारे पास चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन। नाथ और सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव किन पर पड़ा? संत कवि पर, तो डी ऑप्शन। साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रगतिवादी कहानी आरंभ हुई, तो वो कहां कब आरंभ हुई? तो साम्यवाद के प्रभाव हिंदी में प्रगतिवादी कहानी आरंभ हुई, प्रसिद्ध कहानी पर्दा के लेखक हैं यशपाल। किस छायावादी कवि को? सुकुमार पंत जी को। आपका बंटी, मनु भंडारी। ठीक है, उग्र का विपरीत क्या है? सौम्य। साकेत नामक नायिका है उर्मिला। वह आता दो टुक कलेजे करता करता पछाता पथ पर आता, ये किसकी है? ये जो है भिक्षु की लाइनें हैं, पंक्तियां हैं। द्विवेदी जी ने किस पत्रिका संपादन किया था? तो वो सरस्वती पत्रिका का। लोग है कि लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, तो ये घनानंद है। ठीक है, गजानन मोदक मुक्ति बोध की रचना स्वर पदम कब प्रकाशित हुई? तो 1943 में तार सप्तक में हुई थी। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो सी के साथ जाना पसंद करेंगे। वैसे तो थोड़ा सा डाउट है इसमें, इसमें ऑप्शन भी सही जो नहीं मिल रही है, अच्छी तरह से सही नहीं लग रही है ऑप्शन, तो सी ऑप्शन एक बार इसको मान लेते हैं, बाकी देखते हैं ऑफिशियल में क्या आता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? तो तुलसीदास जी का रामचंद्रिका नहीं है। मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वर रेणुका। ठीक है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। झांसी की रानी उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास है। मोहन राकेश किस पत्रिका से संबंधित है? तो सारिका पत्रिका से संबंधित है। ठीक है, निज भाषा उन्ती अहे सब उन्ती को मूल भारतेंदु। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके जो कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए आपके लिए, आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आंसर ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, अभी एक दो दिन में आ जाएगी और भी स्पष्ट रूप में आपके सामने जो है स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा आंसर की, और काफी जो है मिलती जुलती होगी, और कुछ जो है डाउट्स हैं एक दो जो हमने देखे उसके बारे में मैंने आपको क्लियर भी किया है, तो उसको हम आगे जो है ऑफिशियल की में देखेंगे क्या इसका जो है परिणाम रहने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आंसर की जो है पसंद आए और अच्छे उसको आपको पूर्ण रूप से आपकी जो है इसमें जो है आपका जो है तसल्ली हो आपकी। ठीक है, मिलते हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद सभी का।